In this lecture video, we will do the weighted aggregate index number. In the last video lecture, we have discussed thoroughly the unweighted aggregate index number. So under the weighted aggregate index number, we have different methods of constructed index number. Why? Because the different statisticians have given different methods, right? So first method we have, that is last pairs method. And how do we calculate index number in this method? Which denoted by P01. P stands for, that is price index, that is 0 stands for base year, and 1 that is for current year. That means we are going to construct with the help of price index, right? And we are taking the base year for which year, that is current year, right? So that means the formula kya hoga, that is sigma of P1 Q0 divided by P0 Q0 multiplied by 100. देखिए सिम आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हो सकता है दैट यू फेल लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूला. ऐसा नहीं है, फॉर्मूलाज हैं बट दे आर वेरी इजी, राइट? सो देखिए लास्ट पेस मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0. देन वी हैव अनदर मेथड, दैट इज पास्ट सेम P0 में, दैट इज P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1, राइट? देन वी हैव डॉर्विश एंड बॉलिस मेथड, दैट इज एवरेज ऑफ एल एंड पी. यहाँ पर एल एंड पी क्या है, एल स्टैंड फॉर लास्ट पेयर्स एंड पी स्टैंड फॉर पास्ट चे. दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, देन वी विल गेट डॉर्विश एंड बॉलिस मेथड. देन वी हैव फोर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज फिशर्स इंडेक्स मेथड. यहाँ पर क्या आपका, वी जस्ट नीड टू टेक दी फर्स्ट टेक द प्रोडक्ट एंड देन टेक द अंडर रूट मेथड, ठीक है? तो क्या करना है, एल इंटू पी. अगेन यहाँ पर एल क्या है, लास्ट पेयर्स एंड द पी इज, दैट इज पास्ट चे. एंड द लास्ट वन, सॉरी सेकेंड लास्ट वी हैव, दैट इज मार्शल एजवर्स मेथड. देखिए सिंपल फॉर्मूला, आपको ये कॉम्प्लिकेट लगना नहीं चाहिए. आप देखोगे देखो क्या है, सिग्मा P0 Q0 P0 Q0, सिग्मा P1 Q1 P0 Q1. ये वही फॉर्मूला जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, लास्ट पेयर्स एंड पास्ट चे, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ईजी है. एंड द लास्ट वन वी हैव, दैट इज केलीज मेथड. कैसे निकालना है, सिग्मा ऑफ P1 Q डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ P0 Q, राइट? यहाँ पर क्यू क्या है आपका, दैट इज द एवरेज ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर क्वांटिटी, राइट? सो दीज आर द 6 मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर अंडर द वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, राइट? बहुत सिंपल है. मैं इसको आपको एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आपको इसकी क्लियरिटी और अच्छे से जाएगी. चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4. कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय अप्लाइंग लास्ट पेयर्स मेथड, पास्ट चे मेथड, बॉलेज मेथड, फिशर राइसल मेथड, मार्शल मेथड, राइट? हमको ये 5 मेथड फॉलो करने हैं. क्या गिवन हमको, वी हैव गिवन द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज विद देयर प्रीवियस ईयर प्राइस एंड द करंट ईयर प्राइस. सेम आपको प्रीवियस ईयर की क्वान्टिटी गिवन है एंड करंट ईयर की क्वान्टिटी गिवन है, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 4. कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली पहले फॉर्मेट, हम फॉर्मेट बनाएंगे उसके बाद देखेंगे हमें फॉर्मूले की गुण, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? सो फर्स्ट वी हैव 4 कमोडिटीज ए बी सी डी. देन आपको 2018 का, राइट, एंड 2019 का, ठीक है? क्या क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है P0, Q0, P1, Q1, राइट? P0 देखिए क्या गिवन है, 2, 5, 4, 2, 8, 10, 14, 19, 4, 6, 5, 2, 6,
5, 10, 13, ठीक है। हमने अपनी फिगर से किए जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब देखिए हम फर्स्ट मेथड क्या करने वाले हैं। फर्स्ट देखिए हमारा मेथड क्या यहाँ पर आपका, दैट इज लास्ट फिगर्स मेथड, ठीक है। देखिए फॉर्मूला आपको यही याद हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ईजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला आपका, सिग्मा ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइड बाय पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाय 100, यही गिवन आपको। तो देखिए हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें चाहिए पी वन क्यू जीरो, ठीक है। तो यहाँ ले देंगे प्रोडक्ट ऑफ पी वन क्यू जीरो, देन वी नीड पी जीरो क्यू जीरो, राइट। हमें ये रिक्वायरमेंट है, इजी है। सो देखिए मटे करेंगे पी वन आपके क्या 4 एंड क्यू जीरो दैट इज 8 विच वुड बी 32, देन 60, 70, 38, राइट। एंड इनका जो सम आएगा दैट वुड बी 200, देन पी जीरो क्यू जीरो 16, 50, 56, 38 एंड द टोटल इज 160, दैट्स इट। अब हमें इनको बेस फॉर्मूला में पुटअप करना है और कुछ नहीं करना हमें। सो विच वुड बी 200 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 125। बहुत इजी है ये। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है मेथड आपका, पाश्चे मेथड। फॉर्मूला क्या होगा इसमें आपका, सिग्मा ऑफ पी वन क्यू वन डिवाइड बाय पी जीरो क्यू वन, ठीक है। तो हमें चाहिए तो पी वन क्यू वन एंड पी जीरो क्यू वन, इसमें क्या होता है 24, 30, 50, 26, वेल 25, 40, 26, इसका जो टोटल आएगा होगा दैट इज 130 एंड दिस वुड बी 103, दैट्स इट। सो देखिए पी वन क्यू वन आपका आएगा 130 103 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 126.21, राइट। देन अब हमें करना है बोलेज मेथड। बोलेज मेथड का देखिए शॉर्टकट क्या आपका, एवरेज ऑफ एल एंड पी, ठीक है। तो जो आपके पास सिंपल फाइनल जो फिगर आई है आंसर की, उसी को लेके चलेंगे हम। 125 प्लस 126.21 डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना आपको। सो दैट वुड बी 125.6, राइट। देन फिशर्स आइडियल मेथड, इसी है ये जो। सेम 1.6 द लास्ट एज पर द क्वेश्चन दैट इज मार्शल्स एजवर्ड मेथड।
देखिए अगर सब हमें लकड़ी का होता है, देखिए लास्ट पे ऐसे देखो हमें कहता है सिग्मा ऑफ P1Q0 राइट, देन P0Q0 इसको बस आपको एक्सटेंड करना है। अब देखिए पास्ट कर लीजिए सिग्मा ऑफ P1Q1 P0Q1 दैट्स इट। अब आपको सारी वैल्यूज जो आपने निकाली ली है बस आपको उसको वैल्यूज पर पुट अप करनी है दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। देखिए P1Q0 आपने निकाला था दैट इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 160 देन 130 103, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा दैट्स इट। सो यू विल गेट 125.5 दैट्स इट। ठीक है इजी है ये। चलिए ना कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट सिग्मा P1Q1 इज इक्वल टू 250 सिग्मा ऑफ P0Q0 इक्वल्स टू 150 पास्टर्स इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो गिवन दैट इज 150 डोरबिश बॉलिश मेथड इंडेक्स नंबर इज गिवन 145 फाइंड आउट फिशर्स आइडियल मेथड एंड मार्शल एजुअल मेथड राइट। तो पहले देखिए हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक तो हमें गिवन है सिग्मा ऑफ P1Q1 जो कि मैंने आपको 250 एंड सिग्मा ऑफ P0Q0 दैट इज इक्वल टू 150 और हमें क्या गिवन है डॉर्बिश बॉलेज मेथड का आपको इंडेक्स नंबर गिवन आपको दैट इज 145 राइट। एंड हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है एक तो फिशर्स इंडेक्स एंड मार्शल एजुबल मेथड राइट, हमें ये दोनों निकालना है। तो देखिए किस तरीके करना है, पहले जो गिवन है उसी को लेकर चल लेते हैं। देखो अगर आप डोरबिश हम जब निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला था तब का, देखिए एल प्लस पी डिवाइड बाई टू राइट। तो देखिए लास्ट हम कैसे निकालते हैं, लास्ट पे कैसे निकालते हैं हम सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाई P0Q1 राइट। अच्छा आई थिंक आपको लास्ट पे इसके साथ कुछ और भी गिवन था, अच्छा डोरबिश हमें पास भी गिवन है दैट इज 150 ये भी गिवन है। सो देखिए क्योंकि डोरबिश तो हमें गिवन है ही दैट इज इक्वल टू 145 इक्वल टू एल हमें पता नहीं, पास्टर हमें गिवन है दैट इज 150 डिवाइड बाय 2 तो इससे हमारा लास्ट प्लेस आ जाएगा। लास्ट प्लेस कैसे आ जाएगा आपका 145 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 150 290 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 140 ये तो आपका लास्ट पेज ही आ गया राइट। देन
तो देखिए, अगर हमें निकालना है यहाँ से फिशर्स आइडियल मेथड, देखिए फिशर्स तो हमारे इजी निकल जाएगा। एल इंटू पी, उसका हमें अंडर टेन है, लास्ट पेयर से निकाल लिया कितना 140, पास्ट को गिवन है 150, वी टेक अंडर रूट एंड देन वी विल गेट 144.91। ये तो बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इसके साथ हम मार्शल भी निकाल लेते हैं, तो देखिए मार्शल में हमें फॉर्मूला क्या था आपका, देखिए सिग्मा पी वन क्यू जी पी वन क्यू जीरो, सिग्मा पी वन क्यू जीरो था, जो कि हमें गिवन नहीं है बिकॉज उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो देखिए आपको जो पास्चे गिवन, क्योंकि मैं पी लिख रहा हूँ पास्चे है यहाँ पर, ये फॉर्मूला क्या था उसका, देखिए सिग्मा पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाय 100। पास्चे आपको गिवन है 150, हमें ये चाहिए पी वन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो हमें गिवन है दैट इज 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो हमें गिवन ही सब कुछ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम सिग्मा पी वन टू जीरो अगर हम निकालेंगे सो वी विल गेट 225, 225 हमारे पास ये आ जाएगा वैल्यू, राइट। देन सॉरी एक्चुअली मेड मिस्टेक लिटिल बिट, आंसर यहाँ पर सॉरी फॉर्म आएगा पी वन क्यू वन डिवाइड बाय पी जीरो क्यू वन, फॉर्मूला ये होता है आपका। सो पी वन क्यू वन की वैल्यू कितनी, दैट इज 215, एंड वी नीड टू फाइंड आउट सिग्मा पी जीरो क्यू वन, राइट। सो आफ्टर दिस वी विल गेट डिवाइड बाय 150, राइट। सो ये तो हो गया हमें, बट अब हमें पी वन क्यू जीरो भी चाहिए, तो देखिए डोरबिश का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है। जब आप इसको डोरबिश के फॉर्मूले से करोगे तब तो आपका यहाँ पर पी वन क्यू जीरो निकालना चाहिए, सॉरी मैंने फिर से मिस्टेक कर दी है, इट्स पी जीरो क्यू वन, एंड हमें चाहिए अब पी वन क्यू जीरो, राइट। देखिए अगर हम डोरबिश का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, देखिए 145 को गिवन है ही, लास्ट पे इसका फॉर्मूला क्या था आपको, देखिए सिग्मा ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय पी जीरो क्यू जीरो प्लस पास्टे का फॉर्मूला क्या था आपका, सिग्मा ऑफ पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ पी जीरो क्यू वन डिवाइड बाय क्यू इंटू 100। मैंने फर्स्ट फॉर्मूला का एक्सचेंज कर दिया, राइट, बिकॉज हमें वैल्यू चाहिए तो उसको हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। सो 290 दैट इज इक्वल टू पी वन क्यू वन हमें गिवन है दैट इज 250, पी जीरो क्यू जीरो भी गिवन आपको 150, प्लस पी वन क्यू वन हमें सॉरी 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 ये तो हमें निकालना ही है, पी वन क्यू वन गिवन आपको 250 एंड पी जीरो क्यू वन अभी हमने निकाला दैट इज 250 डिवाइड बाई 150 इक्वल्स टू जीरो, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100। सो जब आप यहाँ से पी जीरो सॉरी पी वन क्यू जीरो निकालोगे सो यू विल गेट
बस अब आपको इसको सारी वैल्यूज को पुट अप करनी है कहाँ पर, आपको मेन लास्ट लिख के निकालना मार्शल एजवर्ड मेथड, ठीक है। तो जब आप मार्शल एजवर्ड मेथड निकालोगे उसमें पुट अप करोगे, आपको बस सारी फिगर्स की वैल्यूज को लिखना है और कुछ नहीं करना। सो फाइनली यू विल गेट 145.26 आंसर, राइट। कुछ नहीं करना, आपको सारी वैल्यूज को फिगर को देखना है, आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है उसको डिग्री आपको इक्वेट करना है, राइट। चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट प्राइस इंडेक्स बाय अप्लाइंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। थ्री कमोडिटीज में आपको गिवन है, शुगर फ्लोर मिल्क, पी जीरो गिवन है, क्यू जीरो गिवन है, P1 गिवन हो गया, ठीक है। देखिए जैसा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे इस तरह क्वेश्चन किया था हमने, बट वो कौन सा था आपका, दैट इज अनवेटेड, और यहाँ पर आपका वेट वेट के अकॉर्डिंग आपको बनना है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह का आए मेथड, तो अब देखिए अगर आपने वेट्स वगैरह पढ़े हैं, हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, फॉर्मूलेस पढ़े हैं, आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पर? देखिए जो केलीज मेथड है वो आपका बेसिकली वेटेड एवरेज मेथड जो है सबसे मेनली जो है इसी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 को। अब वो गिवन है कमोडिटीज, P0, Q0, P1। These four values are given to you, right? देखिए करना कैसे होता होगा, बेसिकली हमें निकालना है, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर यूजिंग द वेटेड अर्थमेटिक मीन। पहले हम अर्थमेटिक मीन कर रहे हैं। देखिए अगर आपको अर्थमेटिक मीन से करना है तो देखिए फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, P01 डैशिंग प्राइस इंडेक्स निकालना, सिग्मा ऑफ पी वी डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ पी। मीन का फॉर्मूला देखो आपको याद है, तो मीन में जब आप वेटेड मीन करते हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते थे, वही तो फॉर्मूला यूज करते थे, वही सेम है। तो देखिए पी वी, पी स्टैंड फॉर दैट इज द प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स देखिए कैसे निकालते हैं हम, आपको याद होगा P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, ठीक है। बी का यहाँ पर दैट इज स्टैंड फॉर दी P0 Q0, राइट। तो देखिए यहाँ पर बी किस तरह निकालना आपको, P0 Q0, राइट। फिर आपको निकालना है पी, कैसे निकालना है, P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड लास्ट हमें निकालना है PV, राइट। सो बस पहले निकालना है P0 Q0 60 60 10, आपको निकालना है P1 डिवाइड बाय P1 P0 इंटू 100, तो 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। देन आपको क्या करना है, 1.6 डिवाइड बाई 1.5 इंटू में 100, 1.5 डिवाइड बाई 1 इंटू में 100। पी वी निकालना है, सो दिस मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज इक्वल टू 8000,
6400, 1500, and the total would be 15,000. Thus, तो ये हो गया इक्वल्स टू 15,000 डिवाइड बाय, इसको सम करोगे सो यू विल गेट 130. दैट्स इट. सो द आंसर इज 122.31. अच्छा, ये हमने कौन सा मेथड किया, दैट इज अरिथमेटिक मीन, राइट. अब हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन में देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको. ज्योमेट्रिक मीन में फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा इसमें आपका. हमने ऐसे क्वेश्चन सेम लास्ट लेक्चर वीडियो में भी किया था, किस तरीके से किया हमने, एंटीलॉग निकाला था P01 इक्वल्स टू एंटीलॉग क्वेश्चन का था हमें सिग्मा ऑफ बी लॉग पी डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ बी. बस वो कुछ नहीं करना आपको. पहले क्या करना है, पी का आपको लॉग निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है बी से, टोटल करो डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बी, दैट इज 130. ठीक है, सो ये आप करें ना, इसका मैं आंसर दे दूँ सो दैट आपको जो मैच करने में इजी होगा. इसका आंसर सेम आएगा, दैट इज 122.31. राइट, चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द क्वांटिटी इंडेक्स. देखिए अब तक हम कहने का थे प्राइस इंडेक्स, अब हमसे क्या पूछ लिया क्वांटिटी इंडेक्स, यानी कि सब कुछ रिवर्स हो जाएगा. ये मतलब क्या हुआ, मतलब जहाँ प्राइस था वहाँ क्वांटिटी हो जाएगा, जहाँ क्वांटिटी था वो प्राइस हो जाएगा, और कुछ नहीं आपका. देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ क्वांटिटी इंडेक्स की, अब देखिए जैसे हमने फॉर्मूले पे पढ़ा था, तो लास्ट पेयर्स वाला क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी हमने, देखिए सिग्मा ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ पी जीरो क्यू जीरो, यही पढ़ा था हमने. बट ये किसके अंदर पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये प्राइस इंडेक्स में. बट क्वांटिटी इंडेक्स में ये देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, देखिए क्या बोला मैंने, जहाँ प्राइस है वहाँ क्वांटिटी है, और जहाँ क्वांटिटी वहाँ प्राइस हो जाएगा अपना. सो दैट इज माई फॉर्मूला, हो जाएगा सिग्मा ऑफ क्यू वन पी जीरो डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू जीरो पी जीरो मल्टीप्लाइड बाय 100. तो चाहे लास्ट पेयर्स हो, चाहे पास्चे हो, चाहे फिशर हो, चाहे डॉर्विश हो, चाहे केली हो, कोई भी हो, क्वांटिटी इंडेक्स में सब कुछ रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है हमसे पूछा जाता है, हमें निकालना बस क्वांटिटी इंडेक्स. ठीक है, तो जब क्वांटिटी इंडेक्स करोगे देखिए फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे, आप कोई भी इसमें देखो कुछ गिवन नहीं है, स्पेसिफिकली कुछ गिवन नहीं है क्या वो कौन सा करना है, तो आप कोई भी मेथड फॉलो करना. एक काम करना, इस क्वेश्चन को आप लास्ट फेयर से कर लेना, ठीक है, तो इजी हो जाएगा आपका. चलिए नंबर मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. कंप्यूट बाय फिशर आइडियल मेथड फॉर्मूला द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो. देखिए ये भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर आपसे स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि दो चीज़, एक तो हमें निकालना है फिशर आइडियल फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, बट हमें क्वांटिटी इंडेक्स निकालनी है. तो देखिए फिशर आइडियल मेथड क्या करते हैं, एल इंटू पी अंडर रूट में, अब एल इंटू पी क्या होगा लास्ट पेयर्स एंड फास्ट में, फॉर्मूला ये होगा, बट कब होगा रिवर्स करना है, जहाँ क्वांटिटी वहाँ प्राइस और जहाँ प्राइस वो क्वांटिटी, दैट्स इट. राइट, सो दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर होमवर्क. चलिए नाउ मूविंग टू आर नेक्स्ट न्यू टॉपिक, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी. टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टू अंडरस्टैंड दैट वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक. सी सिंस वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर, लाइक इन द वीटेड एवरेज ऑल्सो इट सेल्फ वी हैव डिस्कस सो मैनी फॉर्मूलाज, लाइक लास्ट पेयर, पास्टे, फिशर, माइजर एथवर्ड, डोरबिश, केली, राइट. But the thing is, like if all the methods are using for the constructing index number, then which one is most appropriate? Which one is most appropriate? So, to test that which formula is most suitable,
वी आर गोइंग टू टेस्ट ईच एंड एवरी फॉर्मूला, राइट। तो इसके अलग अलग तरीके हैं, मीन्स फॉर्मूला तो हमारे बहुत सारे हैं, बट टेस्ट हम पर लगेगा कि कौन सा हमें मेथड सुटेबल कौन सा होगा, ठीक है। तो आपका पर्पस पता गया कि टेस्ट ऑफ एडुकेशन क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोमिनेंट और इवन से द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, राइट। सो देखिए इसमें भी यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज दैट इज यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट देखिए कुछ है नहीं, इट इज बेसिक नथिंग। वाई? बिकॉज इन दिस केस द प्राइस एंड क्वान्टिटी द बेस आर इक्वल, द बेस आर इक्वल, और यू कैन से दैट द प्राइस इज इक्वल टू क्वान्टिटी और क्वान्टिटीज आर इक्वल टू प्राइस। ऑल दो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि प्राइस का बेस का दैट इज इन रुपीज, बट इन क्वान्टिटी में मीन्स के जी में, ग्राम में, या लाइक सब मे बी इन लीटर्स, राइट। तो बेस तो सेम नहीं हो सकता, बट इन दिस क्या हुआ, यूनिट टेस्ट में अज्यूम कर लिया, क्या कर लिया, इसको अज्यूम कर लिया। अब जब बेस इक्वल हो जाएगा तो क्या कर लिया, इसको एक यूनिट मान लिया, यानी कि दोनों की एक ही यूनिट मान ली, चल ली, ठीक है। तो इस केस में कवर मीन्स ये टेस्ट लेके तो आ गए, लेकिन ये सेटिस्फाई हो नहीं पाया, सेटिस्फाई हो ही नहीं पाया। सो दैट मीन्स द यूनिट इन विच द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड, दैट्स इट, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे यूनिट टेस्ट में, तो इसमें सिर्फ एक ही मेथड जो वो मोस्ट सुटेबल माना जाता है, दैट इज कॉल्ड अनवेटेड, अनवेटेड। ऐसा क्यों? देखिए अगर आप अभी हम जो वेट्स पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें वो चीज़ एप्लीकेबल होगी नहीं, क्योंकि उसके तो फॉर्मुलाइज भी अलग हैं, बट अनवेटेड में उसके बेस हम इक्वल इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए यूनिट टेस्ट में लगा है, ठीक है। तो इसमें भी एग्जाम में आपको कुछ हार्डवेयर पर ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है आपको। अगर आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम कुछ है, एग्जाम पूछता है लाइक व्हाट इज यूनिट टेस्ट, अगर थियोरेटिकल पूछता है, ठीक है, तो करना क्या था आपको, दैट आपको लिखना है दैट दे दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज बेसिकली यूज ऑल द इंडेक्स नंबर एंड ऑल द यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, लेट्स इट, और कुछ नहीं करना, राइट। चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट आर मेथड, दैट इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल मेथड, टाइम रिवर्सल मेथड और टेस्ट। मतलब कि यहाँ पर देखिए टेस्ट हम कर रहे हैं सब फॉर्मूलाज की, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिपेंड करता है भाई कौन सी मेथड जो है हमको कब यूज़ करना है अगर हमारे पास ये सिचुएशन अराइज हो, ठीक है। जैसे टेस्ट टाइम रिवर्सल मेथड क्या बोल रहा है, अब तक हम क्या करते थे, हम निकालते थे प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन द बेस ऑफ द बेस ईयर, ये निकालते थे, बट अगर ये रिवर्स हो जाए तो क्या होगा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द बेस द प्रीवियस ईयर प्राइस इंडेक्स ऑन द बेस ऑफ द करंट ईयर बेस ईयर। अगर ऐसा हो जाए रिवर्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू वन, ये वन आना चाहिए। अगर वन नहीं आया सो दैट मीन्स दिस टेस्ट इज नॉट सुटेबल, टाइम रिवर्स मेथड जो है वो फेल हो जाता है, चाहे हम कोई भी मेथड यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट पेयर्स, पास्ट फ्यूचर कोई भी यूज़ करो, अगर ये इक्वल्स टू वन आ रहा है सो दैट मीन्स इट इज़ फाइन, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। देखिए अगर हम टाइम रिवर्स मेथड की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से मेथड जो सुटेबल होते हैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका फिशर, फिशर मेथड के एल टू पी, अगर आप अप्लाई करोगे टाइम रिवर्स मेथड में तो वो इक्वल्स टू वन आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप करोगे सपोज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव करोगे, जो मैं लास्ट ईयर गया था, लास्ट मैं विड लेक्चर में गया था, तो वो आ जाएगा। देन इसमें आपका सपोज हाँ मार्शल एजबर्थ मेथड यूज करोगे तो भी आ जाएगा। देखिए मेरे कहने से नहीं, आप अप्लाई करना, पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अप्लाई करना तो आपको इक्वल्स टू वन आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ फिशर आइडल मेथड का। देखिए फिशर आइडल मेथड है पी जीरो वन इक्वल्स टू कैसे निकाल, देखिए सिग्मा ऑफ पी वन क्यू जीरो
डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाय पी वन क्यू वन डिवाइड बाय पी जीरो क्यू वन। फिर मैथ कर ये कौन होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये पी जीरो वन है, आपको क्या करना है पी वन जीरो निकालना है। तो क्या होगा देखिए, आपको सिग्मा पी जीरो क्यू वन डिवाइड बाय सिग्मा पी वन क्यू वन मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो डिवाइड बाय सिग्मा पी वन क्यू जीरो, ये कौन बनेगा। तो क्या करना है आपको, पी जीरो वन मल्टीप्लाई बाय पी वन जीरो, तो पी वन क्यू जीरो पी वन क्यू जीरो कैंसिल, पी वन क्यू वन कैंसिल, पी जीरो क्यू जीरो कैंसिल एंड आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, नो दैट इज फाइन, ये भी कैंसिल, सो दैट इज इक्वल्स टू वन, दैट्स इट, ठीक है। सो इस तरह करना आपने। चलिए नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज कॉल्ड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसमें ना फैक्टर चेंज होंगे। पहले क्या टाइम चेंज होगा, फैक्टर यानी यहाँ पर आपस दो वेरिएबल हैं प्राइस एंड क्वांटिटी, वो आपस में इंटर रिलेट हो जाते हैं, यानी कि अपनी जगह चेंज कर देते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे पी जीरो वन, सॉरी इसमें देखिए फैक्ट टेस्ट निकालना कैसे है, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे क्यू जीरो वन से, तब आपको ना आंसर बेसिकली ये आना चाहिए, दैट इज सिग्मा ऑफ पी वन क्यू वन डिवाइड बाय पी जीरो क्यू जीरो, ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ गया सो दैट मीन्स दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड, नहीं आया सो दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट। चलिए नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट। अच्छा मैं आपको बता भी देता हूँ, इसमें अगर आप ये कभी यूज़ करोगे तो इसमें आपका सिर्फ एक ही जो है इंडेक्स सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल होता है, दैट इज कॉल्ड फिशर्स आइडियल मेथड। सिर्फ वही एक यही मेथड जो है वो सेटिस्फाई करेगा, बाकी सब फेल हो जाएंगे, राइट। चलिए नंबर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ मेथड, दैट इज सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट देखिए, अब तक हम जो कर रहे थे, जैसे हम प्राइस इंडेक्स ना लगे तो हम क्या करते, बेसिकली वी आर कंपेयरिंग द करंट ईयर प्राइस विद द प्रीवियस ईयर, यही करते आ रहे हैं। बट सपोज इफ वी कंपेयर द करंट ईयर प्राइस विद द प्रीवियस ईयर एज वेल एज द प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, तब क्या होगा, तो उस केस में उसको हमें क्या करना है, अप्लाई सर्कुलर टेस्ट अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई होगी ये, इफ पी जीरो वन मल्टीप्लाई बाय पी वन टू मल्टीप्लाई बाय पी टू जीरो इज इक्वल टू वन, अगर इक्वल टू वन आ गया सो दैट मीन दिस सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाई, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। एंड इसमें भी आपको देखिए जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है ना, वही ज़्यादा सुटेबल होता है। जैसे अगर मैं आपको देखो प्रूफ करके बताता हूँ, सिंपल अगर आप एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स निकाल दो, किसने कहा देखिए पी जीरो वन, सॉरी पी जीरो वन आप निकाल दो, कैसे निकाल देखिए सिग्मा ऑफ पी वन डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ पी जीरो, इस तरह निकाल दो, इसमें करेगा देखिए सिग्मा ऑफ पी टू डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ पी वन मल्टीप्लाई बाय, इसमें करेगा देखिए सिग्मा ऑफ पी जीरो डिवाइड बाय पी टू, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, बताया जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होगा वो तो हमेशा आपका उसमें सेटिस्फाई हो गया होगा,
राइट। तो इस तरह आपको क्या करना, बस वैल्यूज पुट अप करनी है। अगर इक्वल्स टू बन आ जाए सो दैट इज इट इज सेटिस्फाइड, और नहीं है सो दैट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट फिशर्स आइडियल मेथड, फिशर्स आइडियल इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड प्रूव इट सेटिस्फाइड बोथ द टाइम रिवर्सल एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो क्योंकि क्या गिवन है आपको P0, आपको यहाँ पर इस बार क्या गिवन में देखिए वैल्यू गिवन है, टोटल वैल्यू गिवन आपको, इसका मतलब क्या हुआ किससे कॉम्बिनेशन गिवन आपको, ये प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है आपको, तो आपको बेसिकली इसको डिवाइड करना है ताकि आपको क्वांटिटी पता चले। सेम एज फॉर करंट ईयर प्राइस, तो आपको Q1 निकालना होगा, कैसे निकालना होगा, 120 डिवाइड बाई 10, ठीक है, इस तरह करना है आपको। तो इस तरह से आपको करके आपको क्या करना है कि, तो आपको कैलकुलेट करना है फिशर सारे मतलब कैसे मतलब L2P, ठीक है। अब L2P करके जब आप करोगे तो टेस्ट लगाना है टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल कैसे निकाल देखिए P01 मल्टीप्लाई पर P10, अगर इक्वल्स टू करेंगे सो दैट मीन सेटिस्फाइड, अदर नहीं है नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे आपको फैक्टर रिवर्सल टेस्ट मीन्स दो, अगर वो फुलफिल हो गया तो ठीक, अदरवाइज नहीं। अच्छा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इक्वल्स टू बननी होगा, क्या होगा वो आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या था, देखिए मैंने लिखा था दैट इज आपका आना चाहिए P01 मल्टीप्लाई बाई Q01 इक्वल्स टू कितना होगा सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाई P0Q0, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये करना, सो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर होमवर्क, राइट। रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट विजुअल लेक्चर।